क्या हो गया भाई, आओ शोर क्यों इंग्लिश मचा रहे क्लास हो? स्कूल। ये क्या है, तुम कहाँ चढ़ी हुई हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम लोग अभी अभी एक वीडियो अपलोड करके हटे हैं और अगली वीडियो अभी शुरू कर दी है रात को 1:15 बजे। कि ना इस लड़की को हम लोग 1 घंटे से कह रहे हैं सो जा सो जा सो जा, अपना कमरा बंद करके बैठी हुई है। तो हम सारे के सारे देखने के लिए आ गए कि चल क्या रहा ये है। बोला इसको, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आपको अभी पिछली वीडियो में दिखाया ना मैंने कि ये पर्सल्स लेकर बैठी है और पर्सल बना रही है 300 पीस वाली पर्सल। तो मैंने तो सोचा कि भाई ये दिन लगाएगी बहुत सारे बनाने में, ये लगी हुई है और देखो कितनी पूरी कर ली है इसने। ऑलमोस्ट एमी। मतलब कह रही है कि मैं आपको पूरी करके ही नहीं सोऊंगी। बेटा, सुबह कर लेना, अब नींद ना आ रही है बहुत। आधा घंटा हो गया है, लगी हुई है एमी, और मम्मी ने भी साथ में ज्वाइन कर लिया एमी को। मम्मी बोलते रहे एमी को सो जा सो जा सो जा, तो मम्मी को विश्वास हो गया कि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं सोएगी, तो मैं खुद बैठ गए। तो आधा घंटा और लगाया आप दोनों ने, है ना? सारा आपने किया है, तो दादी ने क्या किया है? मैं पकड़ाती गई हूँ। हाँ, तेरा क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। हाँ। तो वेरी नाइस भाई, ये तो एक ही दिन में पूरा कर दिया आप लोगों ने। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी थर्सडे। कैसे हम सब लोग भाई, ऐसा है कल इतनी तेज बारिश थी और आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। तो ये सुबह सुबह की धूप जो होती है ना, गुनगुनी सी धूप, दो ठीक है, समर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, धूप फिर भी अच्छी लगती है। और जो विटामिन डी लेने का टाइम होता है ना, वो तो ये सुबह वाली धूप का ही होता है, एटलीस्ट समर्स में, बिकॉज वो जो 12 बजे के बाद धूप आ जाती है वो नहीं सेक सकते हो आप। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, ये रिमाइंडर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चेक करो कि आप भी विटामिन डी इनफ ले रहे हो दिन में कि नहीं ले रहे हो। बट आई डू, कि यार सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट ऐसे घर के बाहर ही वॉक करने निकल पड़ती हूँ मैं, ताकि 10-15 मिनट का विटामिन डी का डोज मिल जाए। और अगर विटामिन डी की और विटामिन B12 की कमी हो जाए आपके बॉडी में, तो भैया आप बहुत लेथार्जिक रहते हो, थके थके रहते हो, बोन्स वीक हो जाती है। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि मैं, अमित, मम्मी, एमी, हम सब लोग रोज एक एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट भी लेते हैं। विटामिन डी के बाद विटामिन टी। अच्छा, तुम्हारा कल वो नहीं आया ना, वीड मैन? ना, नहीं आया यार, पता नहीं क्यों। प्रॉमिस तो किया था उन्होंने कल आने का, उन्होंने 24 से 48 आवर्स के बीच में कहा था। और अच्छा, आज तो शायद फिक्स नहीं हुई थी, मतलब नहीं, उन्होंने कहा 24 से 48 आवर्स के बीच में कॉल आएगा, कॉल आया ही नहीं। देख लो, दोनों धोखा देंगे। हाँ, मैंने जिसको बुला रखा था वो भी नहीं आया। मैंने भी किसी से बात करी थी आगे जो लैंडस्केपिंग करने के लिए, और उसने भी 3 दिन से टाल रहा है कि आकर मैं मेजरमेंट लूंगा। सारे लोग इतने बिजी हैं, हम ही वेले बैठे हैं। यार इस वीकेंड भी हमारे घर पूल पार्टी है, अगले वीकेंड भी हमारे घर पॉटलक और पूल पार्टी है, उससे पहले अगर हो जाता तो बढ़िया ना हो जाता। नहीं, मैं उसको अभी कॉल करता हूँ। गाइस ये देखो, मैं इंडियन स्टोर से 6 मीठे बंस लेकर आई थी परसों। एक हमने कल खाया है और आज आखिरी बड़ा है जो मम्मी और मैं आधा आधा खा रहे हैं। मतलब एक दिन में हमने सारा खत्म कर दिया। अच्छी बात है, मैं कल व्रत है, वरना ये आधा आधा भी ना मिलता हमें। मतलब शिल्पा तुम बात ऐसी करियो जैसे बन के लिए ना मैं मरे जा रहा हूँ। मुझे इंडिया में भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छे लगते थे। झूठे, कल तो दो खा गए थे आप। मुझे तो चाय के साथ अच्छे लगते थे, फैन वो यहाँ पे मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो खारी खारी बोलते हैं, खारी। हाँ, महाराष्ट्र में, पुणे में खारी बोलते थे। नहीं, दुबई में भी हम जब लेकर आते थे उस पे खारी लिखा होता था, बट वो ना इतने मजे नहीं आए कभी भी जो इंडिया में मिलते थे ना। स्पेशली हमारे घर के पास एक बेकरी थी, तो उसे हम फ्रेश लेकर आते थे, वो बिल्कुल उसी टाइम बनाता था वो। बस सारी चीजें यहाँ मिलती है, सारी, बस वो फैन कभी नहीं मिला मुझे, अच्छे वाला फैन नहीं मिला। क्या बात है, वीकेंड का काम वीकडे में शुरू कर दिया तुमने आज। भैया वीकेंड ऐसा है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अगले काफी सारे वीकेंड, मतलब अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो हमारे अगस्त एंड तक के सारे वीकेंड पूरे बुक्ड है। सैटरडे संडे, अगले वीकेंड मतलब जो सैटरडे आ रहा है, वी आर गोइंग टू हैमिल्टन। तो हमारे फ्रेंड्स हैं नागपाल फैमिली, हिटफिट नागपाल उनका यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने 3 महीने पहले इन्वाइट किया था, एंड वी कुड ओनली सेटल ऑन अ डेट ऑफ 27 जुलाई। तो उनको मिलने जा रहे हैं हम लोग, तो अब हैमिल्टन तक जा रहे होंगे। देखो मैं आपकी कोई और भी कर रहे हैं, तो वहाँ हैमिल्टन तक गए हुए होंगे, तो यार नायगरा भी चले जाएंगे, इतनी पास पे नायगरा। मम्मी को हर बार हम लोग नायगरा लेकर जाते हैं, मम्मी जब भी इंडिया आते हैं, इस बार अभी तक नहीं गए, और अगले महीने मम्मी ने वापस से जाना है एंड ऑफ अगस्त में। तो सोचो नायगरा का चक्कर भी लगाए, और फायर वर्क होते हैं नायगरा में समर्स में, तो मम्मी फायर वर्क भी देख लेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम नहीं दिखाए थे मम्मी को फायर वर्क, है ना? आई डोंट रिमेम्बर, बट 10 बजे के बाद ही होते हैं, हो सकता है हम जल्दी निकल आए हो। हाँ यही हो सकता है, तो इस बार आराम से रुकेंगे, बिकॉज उनके घर से निकलने में हमें इतना टाइम हो जाएगा। तो
तो पूरा सैटरडे नाइग्रा जाएगा, बहुत लेट तक हम लोग वापस आएंगे और संडे को हमारे घर पे अगली पार्टी। तो अमित के जो बॉस है ना विकास जी, उनका बर्थडे है सैटरडे और हमने लास्ट टाइम भी उनका बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट किया था यार। वो अमित के लिए ना इतना करते हैं, अमित के बर्थडे पे वो पार्टी देते हैं पूरे स्टाफ को, तो उनके बर्थडे पर हम पार्टी देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि खुद के लिए पार्टी मत रखो, एक दूसरे के लिए रखो, तो बर्थडे भी हो जाता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। तो फिर अमित के अगेन सारे कलीग्स आएंगे तो घर पे पूल पार्टी होगी, तो इसीलिए मुझे बैकयार्ड जो है वो आज ही रेडी करना है, बिकॉज आज है थर्सडे और शाम को हमें जाना है मंदिर, तो शाम को भी टाइम नहीं मिलेगा। और कल है फ्राइडे, कल सैटरडे की और संडे की जो भी है ग्रॉसरी शॉपिंग, लॉन्ड्री, सफाई और जो पार्टी की तैयारियां करनी है वो सारा कुछ कल होगा, बिकॉज सैटरडे को तो टाइम ही है ना, संडे को पार्टी से पहले सैटरडे तो टाइम है ही नहीं, तो कल पूरी पार्टी की तैयारियां होंगी, तो बताओ। और उसके बाद जो अगला वीकेंड है ना वो है लॉन्ग वीकेंड, वो आपको उस टाइम बताऊंगी क्या करने वाले हम लोग। हम कुछ ऐसी पार्टी कर रहे हैं जो हम पहली बार कर रहे हैं। चलो काम करते हैं भाई, बहुत गप्पे हो गई, आप लोग गप्पे बहुत मारते हो। मिर्जा को कॉल कर रहा हूँ, पूछता हूँ उससे यार, वो आया नहीं वो मेजरमेंट लेने, बताया नहीं उसने कोटेशन। यार अमित सोच लो, इस साल करना है कि अगले साल करना है। इस साल यार राधी समर तो निकल गई है, एक महीने की रह गई है। यार शिल्पा तुमने कंफ्यूज्ड मत रहा करो, तुमने कहा था कि हाँ फ्रंट यार्ड कराना है, मैं पूछ रहा हूँ उससे। मैंने वीडियो में भी कहा था कि हमने अगले साल कराना है, इस साल नहीं कराना। इस साल बहुत करा लिया हमने काम, हमारी वीडियो में देखा, पूरे घर का पेंट करा लिया, ये डेक का काम भी करा लिया, ऊपर प्लम्बिंग का काम भी करा लिया, वो जो वॉशरूम का एक थोड़ा बहुत दिक्कत था। कितने पैसे लगाएंगे हम इस साल घर पे? कह रहा मैं तुम्हारी वीडियोस देखता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि तुमने वीडियो में कहा था, पर मुझे तुमने ये कहा था कि कराना है। धोखेबाज इंसान शिल्पा, आप मेरी वीडियो से देखते हो, मतलब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कौन करता है तुम्हारी वीडियोस की? मैं करती हूँ खुद। गाइस आपको एक बात बता दूं, जो ये डेली व्लॉगिंग आ रही है ना, एवरी डे व्लॉग, ये सारे जो है ये मेरी एडिटिंग है, मेरी मेहनत है। अमित मेरे को जिस जिस सीन में अमित आ जाते हैं ना अपने ऑफिस में, रास्ते में, इतना कंट्रीब्यूशन है अमित का इन व्लॉग्स में। वो मैं एडिट करके भी देता हूँ कभी कभी, कभी कभी, मतलब मेरा कंटेंट होता है, वरना पूरे मेरे एडिटेड व्लॉग्स है ये। तो प्लीज अगर आप थोड़े अच्छे कमेंट्स करोगे ना मेरी एडिटिंग के ऊपर, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तेरा बच्चा अच्छा काम करे तो उसको गुड जॉब, वेल डन, कीप इट अप बोलना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये नया काम शुरू किया है मैंने एडिटिंग का, तो प्लीज अगर आप ऐसे कॉमेंट्स करके बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल एक कॉमेंट आया भी था कि शिल्पा एडिटिंग नेक्स्ट लेवल की है, दिल पे लगी है वो बात मेरे को, इतना इतना पर्सनल लिया मैंने उस बात को और अपने आप को कितनी शाबाशियां दी आपको पता आप शिल्पा मेरी वीडियोस भी खुद ही एडिट करेगी। मतलब मानोगे नहीं, कॉल फिर भी कर ही रहे हो, है? पूछ तो लूं उससे, कोटेशन तो ले लूं। अच्छा को मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर $1500 में हो गया ना अमित, $1500 में। गुड मॉर्निंग मिर्जा भाई, कैसे हो? फिर तो ठीक है, वरना अगले साल का प्रोजेक्ट है। मतलब क्या क्या चीजें मुझे लेकर आनी है आप ये बताओ। शॉर्ट लेकर आना है और वो ब्लैक सोल के 5 बैग पड़े हैं। मैं वो होम डिपो से जाके फिर वो रेंट कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा जो चाहिए। हां वो इक्विपमेंट्स तो रेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मुझे होम डिपो से पता करनी है, कहीं और से पता करनी है? नहीं होम डिपो से महंगी मिलेंगी ये, जैसे नहीं ये नर्सरी फार्म होते हैं, नर्सरी फार्म होंगे कौन से सस्ते मिल जाएंगी, ठीक है। जिस क्लाइंट से मैं कल मिलने गया था ना, सेम क्लाइंट से मिलने आज मैं फिर आया हूँ, बट दिस टाइम इन विटबी। एक्चुअल में मेरे क्लाइंट को ये लग रहा था कि मैं वॉन में रहता हूँ, एंड दे लिव इन बोमनविल। तो कल उन्होंने मुझे पिकनिक में मिलने के लिए इसलिए कहा कि हाफ वे हो जाए, आधा रास्ता वो आ जाए आधा रास्ता मैं आ जाऊं। बट जब मैंने उनको बताया कि आई लिव इन विटबी, द क्लाइंट वर्क्स इन विटबी, तो उसने बोला कि अगर विटबी में रहते तो कल भी ये मिल सकते थे। मैं चलो कल नहीं आज मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं क्लाइंट से मिलने आया हूँ टिम हॉर्टन्स पे, एंड एक फाइनल डॉक्यूमेंट साइन कराना था उनसे, तो फिर वो साइन कराकर उसके बाद ऑफिस चलते हैं। आज ऑफिस से जल्दी आने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आज शाम को शिल्पा, मम्मा, ये तीनों ने जाना है सत्संग पे, एंड मैं जल्दी घर आके क्या करूंगा, बट देख लेना आज मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा और आज ही मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। गाइस आज मैं बेक कर रही हूँ वॉलनट डेट्स मफिन्स। तो एक काम करते हैं, कुछ डेट्स ना दूध में सोक करके रख देते हैं आधे एक घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इनको जब हम ग्राइंड करें तो, और फिर बनाते हैं वॉलनट डेट्स मफिन आपके साथ आज।
घर पे ना बेकिंग करने का, केक बनाने का, मफिन्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप मैदा यूज ना करके होल व्हीट या आलमंड फ्लावर यूज कर सकते हो, शुगर यूज ना करो, शुगर की जगह बनाना या फिर डेट्स यूज कर सकते हो, और वॉलनट्स या बाकी जो चीजें डालनी है उसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि बहुत ज्यादा डालने हैं, बहुत कम डालने हैं। ऑयल या बटर जो यूज होता है वो भी आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने प्रेफर्ड ब्रांड का यूज कर सकते हो। इसलिए अगर केक बनाना हो या फिर मफिन्स बनाने हो, आई ऑलवेज प्रेफर टू मेक इट एट होम। गाइस आज मैं ना बहुत ही बड़े मदर गिल्ट में हूँ। मैं ना मीटिंग ले रही थी और एमी ने मुझसे कोई बात करनी थी। एमी को उससे मैंने बताया हुआ है कि भैया जब मैं मीटिंग पे हूँ तो मेरे से बात मत किया करो, और आ रही है बार बार ऐसे पोक कर रही है, कुछ बोल रही है। मैं इतनी बार म्यूट होकर उसको बोला कि एमी डोंट टॉक टू मी, आई एम इन अ मीटिंग, डोंट टॉक टू मी, आई एम इन अ मीटिंग, और मान नहीं रही थी। जब एमी 4 साल की थी ना और कोविड शुरू हुआ था और हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब भी एक बार ऐसा हुआ था कि एमी ने ना मुझे मीटिंग के टाइम पर डिस्टर्ब किया था, तो मेरा लैपटॉप बंद कर दिया था कि पहले आप मेरी बात सुनो। खिंचा के 2 थप्पड़ मार दिया मैंने उसको, और वो थप्पड़ उसको ना आज तक याद है। कई बार बोल दी कि मम्मा दैट टाइम यू हिट मी, और आज जब वो नहीं मारी ना 3-4 बार वार्निंग दी मैंने उसको कि एमी अब तू मुझसे मार खा लेगी, मत बात कर मुझसे, नहीं मानी तो एक लगाया मैंने उसको। पिछली बार 2 लगाए थे, इस बार 1 लगाया, और नाराज होकर बैठी है मुझसे। एमा बेटा आपकी गलती थी ना, बट मम्मा मीटिंग में फोकस करे कि आपके है वो फोकस करे। बाबू ऐसे नहीं करते ना। But mama, why did you hit me? मैंने ऐसे आराम से प्यार से किया था, ऐसे ऐसे किया था ना? नहीं ऐसे नहीं किया था, फिर कैसे किया था? I don't want to feel it. अच्छा can I say I'm sorry? I can say I'm sorry. I'm sorry. You sure it's okay? I mean, I always say it's okay. Yeah, you always say it's okay, but do you mean it's okay? So it's okay? Give mama a smile. Aww, ऐसे smile तो नहीं, Amy वाली smile, naughty वाली smile, kissy वाली smile. और हगी, हगी वाली स्माइल। आई एम सॉरी, बट ऐसे करना नहीं चाहिए बच्चों को, है ना? जब पापा मम्मा की मीटिंग चल रही होती है तो बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और बिल्कुल चुप रहना चाहिए, वेट करनी चाहिए मीटिंग खत्म होने की, ठीक है? आई वाज नॉट टॉकिंग टू यू, बट यू वर डिस्टर्बिंग मी, यू वर पोकिंग मी, आई वाज लूजिंग माई फोकस, ठीक है? तो टेक केयर ऑफ दैट इन फ्यूचर, विल यू? विल यू? अच्छा एमी, आपने वो 300 पीस वाली पजल तो कंप्लीट कर ली थी रात को ही, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट 1000 पीस पजल नाउ। दादी बुला रही है कि रोटी पहले फिनिश कर ले। यू कैन डू दैट, मे बी नॉट इन 1 डे, मे बी इन 3 डेज, 4 डेज, बट यू कैन डू दैट, एंड इफ यू विल डू दैट आई विल गिव यू अ ट्रीट। व्हाट ट्रीट? दैट आई विल टेल यू लेटर। अ मैजिक मिक्सी? ओह नो, मैजिक मिक्सी कैसे? ओके ओके, अगर कासल नहीं, कासल नहीं मिलेगा, एक छोटी मैजिक मिक्सी मिल जाएगी। अगर वो 1000 पीसेस वाली पजल अकेले बनाई विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, 4 डेज में बना दी, तो यू विल गेट मैजिक मिक्सी। हाउ मेनी? 1। हाउ मेनी क्या होता है, लालची इंसान। चलो गाइस, हम सब लोग रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं हम लोग टेम्पल के लिए।
क्योंकि आज टेंपल जाने से पहले एक जगह और स्टॉप लगेगा। हाँ जी, मैं अभी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती क्योंकि बहुत छोटे दिन रहके, लेकिन मैं आपको इंग्लिश एक्सेंट सिखा सकती हूँ, ये ट्राई करो। तो तू हिंदी ना बिगाड़ दादी की इंग्लिश सिखाने के चक्कर में। हाँ जी बोल सकती हूँ सही तरह। हाँ हाँ जी होता है, हाँ जी ऐसे नहीं होता है। तू कनेडियन एक्सेंट हिंदी के वर्ड्स पे सिखाएगी? हाँ जी ठीक है हमारे। तो आज एक स्टॉप लगना है मंदिर जाने से पहले गैस स्टेशन पे, क्योंकि मेरी गाड़ी की रेंज रहेगी 52। अगर अमित चलाते होते ना गैस वाली गाड़ी तो अमित कभी भी अपने पेट्रोल को इतना कम ना पहुंचने देते कि 52 की रेंज रह जाए। उनको ना जैसे ही रेड लाइट जलती है कि भाई आपका पेट्रोल कम हो गया है, अमित को पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं कि हाई पेट्रोल लगाना है, पेट्रोल लगाना है। मैं मुझे पता है कि अगर लाइट जल भी जाएगी ना तब भी 2-3 दिन मेरी गाड़ी आराम से चल जाएगी, लेकिन फिर जब कहीं टाइम से पहुंचना होता है ना और तब रियलाइज होता है कि अरे यार गैस नहीं है, फिर आप जरूर लेट हो जाते हो। बट मेरे को पता था कि आज हमने मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में गैस फिल करवानी है, तो हम लोग 10-1 मिनट टाइम से निकले हैं, वही जो गैस भरवाने में टाइम जाएगा, वैसे तो 5 मिनट लगेंगे। बट हमें जब सत्संग होता है ना तो मंदिर लेट पहुंचना पसंद नहीं है। गाइस जल्दी से पेट्रोल भरवाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि पेट्रोल भरवाने के चक्कर में थोड़ा सा डी रूट होना पड़ गया और जितने बजे हम लोग पहुंच रहे थे उससे 5 मिनट लेट पहुंचेंगे डी रूट होने की वजह से। जैसे आजकल आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितने का भर रहा है यार, मुझे कमेंट करके बताना, जिस भी कंट्री में हो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताना कि कितने का पेट्रोल भर रहे हैं। दुबई में कितने का हो रहा है, कैनेडा में कितने का हो रहा है, कैनेडा में अलग अलग प्रोविंसेस में पेट्रोल के रेट अलग है, तो क्या रेट हो रहा है मैं बताती हूँ आपको कि मेरा कितना हो रहा है अभी। वैसे पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, मुझे याद है जब हम कैनेडा में आए थे ना तो हमारे पास थी सैंटा फे स्पोर्ट मॉडल और वो $65 में फुल हो जाती थी, 55 में फुल हो जाती थी, और मेरी एक्सेंट वो तो कई बार $30 में फुल हो जाती थी यार, 43-44। आजकल वैसे $75 में गाड़ी फुल होती है, 67, 68, 69, 70, क्या लग रहा है 71, 72 कहाँ रुकेगी, 73, 74.18। देखा कितना सही गेस था मेरा। लेट्स गो गाइस मंदिर चलते। ये देखो इस बच्चे का ना मंदिर आने का एक ही क्रेज होता है कि मैं ग्रेसी से मिल लूंगी बस। हाय ग्रेसी, चलो चलो अंदर चले भाई लेट हो रहे हैं। हेलो जी कैसे हो आप? आप कहाँ पे गायब थे भाई? बस यार मेरा यूएस का ट्रिप था तो बस अब वापस आए हैं। चलो और गाइस कैसे हैं आप सब लोग, कैसा रहा आपका दिन? मेरा दिन तो यार आज बहुत बढ़िया रहा। सुबह लेट निकला था मैं ऑफिस के लिए, सुबह मेरी एक मीटिंग थी इसलिए घर से ही निकला 11 बजे। यहाँ आकर एक और क्लाइंट का कॉल आ गया, उसने शाम की मीटिंग फाइनल कर दी एंड लकीली वो भी बिटवीन में है। तो 6 बजे हैं, मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से घर के लिए। मीटिंग 7 बजे की है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की मीटिंग होगी और मैक्सिमम 7:30 में अपने घर पहुंच जाऊंगा। बताया था ना मैंने आपको सुबह, जिस दिन घर पे कोई भी नहीं होता हमेशा मैं टाइम पे घर पहुंच जाता हूँ। पहुंच गए जी हम मंदिर, आपको अब दरबार के दर्शन कराती हूँ। पहले हेलो, क्या हाय? हेलो मैं आ गया। वेलकम होम। आज मैंने सोचा था आज मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, घुप अंधेरा होने के बाद आया हूं। आपको मैंने कहा था थर्सडे को जल्दी बताया करो भाई। अरे वैसे मैं सोचता हूं कि थर्सडे को आराम से आऊंगा, पर थर्सडे को मैं जल्दी फ्री हो जाता हूं। आज फ्री तो ऑफिस से तो जल्दी निकल गया था आज, बट वो मीटिंग में ज्यादा टाइम लग गया। लेट्स बेक केक, हमने सूबे का केक का सामान बनाया हुआ है बट बेक नहीं किया, तो
अब फटाफट से बेक कर देती हूँ, रात को नहीं छोड़ सकती ये सामान, क्योंकि दूध में डेट्स भीगे पड़े हैं सुबह के, आधा घंटा एक घंटा छोड़ने थे और दो घंटे आठ नौ घंटे हो गए। गाइस ये बन गया दूध का और डेट्स का मिक्सचर, अब इसको मिक्स करेंगे आटे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर में। दिखाओ केक। ओ या, यम। आज मेरा फास्ट है, मैं खा नहीं सकता, नहीं तो मैं ऐसे 12 बजे खाऊंगा। इसमें मैंने एग में कुछ भी डाला ना, एग डाला है मतलब शुगर वगैरह कुछ भी नहीं, बनाना बड़ा हेल्दी केक है। शुगर के लिए क्या डाला, बनाना डेट्स? हाँ डेट्स तो खा सकता हूँ मैं। चलो फिर 12 बजे के बाद खाता हूँ। एमा देखो मैंने केक बनाया, सबको बुला बुला के दिखाओ। यहीं से दिखा दो, लाइट ऑन कर दो। Oh, is it yummy, Amy? कैसा लग रहा है? ना खाए, बस खाए। खाने में भी यम्मी है। पिछली बार थोड़ा सा अंदर से ना कच्चा लग रहा था ना, ये अच्छा फूल। अब ये तो अच्छा, ये तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब अच्छा फूल गए। हाँ वो फूला भी नहीं था क्योंकि वो कच्चा लग रहा था। एमी को व्हिप क्रीम की मुझे पागल हो गई है। देखो पक्का पूरा पक गया है। हाँ, बिल्कुल साफ निकली है भाई, बिल्कुल साफ निकला है। टेस्टी है, लग रहा है।